सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले जाता हूँ। नीचे रख लो यार, प्लीज नीचे रख लो यार। ये जो आज फैसला हुआ है, ये सीबीआई की टीम का एक सक्सेसफुल एफर्ट है, और इस सीबीआई की टीम में जिन्होंने योगदान दिया उनमें सबसे पहले नाम है मिस्टर सतीश डागर का, जिन्होंने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे मिस्टर एम नारायणन, जिन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन की इस केस की, और हमें इस केस को सक्सेसफुल, हमारे इस केस को सक्सेसफुल बनाने के लिए मिस्टर राम गोपाल जो हमारे हेड ऑफ दी ब्रांच है सीबीआई के, उन्होंने बड़ा साथ दिया, और हमारे डीएलए मिस्टर एसएस यादव उन्होंने पूरी सपोर्ट की, उन्होंने पूरा साथ दिया इस केस को सक्सेसफुल बनाने में, और आज का जो नतीजा आया उसको लाने में। सर क्या कहा है सीबीआई वालों ने इस मामले में? आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें कुलदीप सिंह और निर्मल सिंह जो दो एक्यूज्ड हैं उनको 302 और 120 भी आईपीसी इसके तहत सजा की गई है, गिल्टी होल्ड किया गया है। कृष्ण लाल और गुरमीत सिंह को 120 बी 302 के तहत गिल्टी होल्ड किया गया है। इसके अलावा निर्मल सिंह को सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट में गिल्टी होल्ड किया गया है, और कृष्ण लाल को सेक्शन 29 ऑफ आर्म एक्ट में गिल्टी होल्ड किया गया है। सर सजा 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 कब सुनाई जाएगी? सर सर मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है? सजा क्वांटम के लिए ऑनरेबल कोर्ट ने 17 तारीख फिक्स की है, क्योंकि कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज स्टेट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कंप्लीट करनी थी, इसलिए 17 तारीख उन्होंने फिक्स की है। सर सर इस मामले में ये 17 तारीख से पहले आपको बता देंगे कहां पे कोर्ट होल्ड होगी, ऑनरेबल हाई कोर्ट में या जो भी और कहीं से भी ऑर्डर होगा कोर्ट को होल्ड करने का 17 तारीख को, वहां हम आपको। वर्मा जी इस मामले में राम रहीम और कृष्ण लाल साजिशकर्ता, अभी तो सिर्फ उनको गिल्टी होल्ड किया, दोषी करार दिया गया है, उनका जब क्वांटम पे बहस होगी तो उनकी प्रोसीजर जो स्टेटमेंट होगी लीनियंसी की या जो भी है वो तब रिकॉर्ड की जाएगी। मिनिमम सजा मर्डर केस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है और मैक्सिमम होती है डेथ सेंटेंस। जब बहस होगी हालात के मुताबिक हम उसको रिक्वेस्ट। राम रहीम और कृष्ण लाल इस मामले में साजिशकर्ता के तौर पर जो है वो माने गए हैं। हाँ जी हाँ। तो राम रहीम सीबीआई की तरफ से 46 विटनेसेस एग्जामिन किए गए और डिफेंस की तरफ से अक्यूज की तरफ से 21 को। इन तीनों अक्यूज को कहाँ रखा जाएगा? अभी तो इनको अंबाला जेल में रखा जाएगा। सर क्या न्यायिक हिरासत में ले लिया? फैसला सुनाते समय कोई तबियत खराब होने की भी मामला सामने आया, क्योंकि इस तरह की ऐसा हमने कुछ नोट नहीं। राम रहीम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए थे क्या सर? हाँ जी पेश हुए थे, सभी मुल्जम पेश हुए। थैंक यू।